एवरीवन एंड सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। सो गाइज, आज मैं जिस सॉन्ग को लेकर आई हूँ आपके सामने, वो सॉन्ग है डॉलर बाय पवित्र लोसोई। इनका नाम सुन के मुझे मस्तानी मूवी याद आ जाती है। बहुत अमेजिंग मूवी है और शायद आप लोग भूल ही नहीं पाए, मुझे नहीं लगता आने वाली सदी तक कोई भूल पाएगा ये मूवी। तो सॉन्ग की बात करते हैं, सॉन्ग है डॉलर। तो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग और सुनते हैं, क्योंकि पवित्र लोसोई जी का सॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कुछ इसमें बात होगी, क्योंकि उनके सॉन्ग जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे। मैंने बहुत ज़्यादा सॉन्ग तो नहीं किए, पर जितने किए हैं उतने सॉन्ग उनके मतलब यहाँ पे लगते हैं बिल्कुल, ऐसी बात होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉन्ग और सुनते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप कहीं से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक पहुँचती रहे। वे हिक ते रख के लै जी चंद्रया डालर वे, मैं आखी जावा इत्थे मेरा सरदाना। हो ऐडा दस कनेडा केड़ा लाहौर वे, जिथों तेरा चित मुड़न नू करदा ना। वे आ जा खेती करिए फुल पतासिया वे, वे पंज आबां दा वारस भुखा मरदा ना। हो वजेगा वे कातल साडे जावां दा, खौरे क्यों तू अल्लाह कोलों डरदा ना। वे खौरे क्यों तू मौला कोलों डरदा ना। चुबारा उड़ दे गोले वे, रूम तेरे विच शिंदा तैनू टोले वे। हो गेड़ा मार के मुड़ जांदे आ यार तेरे, पहला वांगू हस के ना कदे बोले वे। नखरा उड़ गया जट्टा वे तेरी नुकरी दा, रोंदी है जद रामू रसा खोले वे। हो मेने देवे बुलट तेरा तेनू अंतां दे, हो वे किते जबान विचारा बोले जे, वे हो वे किते जबान विचारा बोले जे। लगदा ना रंग गूड़ा वे, ब्याह लान ता पौंदा रंगला चूड़ा वे। हो कदे पग नहीं हुंदी वे सिर तेरे ते, चंद्रिया कट ता नी दिता जूड़ा वे। जुत्तियां जट दे रहे है शेरे पंजाब दिया, तू जिन्ना वर्गा बनना चाहुने पूरा वे। ओ पुत पवित्रा साडा रोटी दंदा नहीं, जेड़ा लिखना सिखिया हथी उड़ा वे। ओ जेड़ा लिखना सिखिया हथी उड़ा वे। इतने प्यारे प्यारे नहीं मिल रहा गया ये सॉन्ग, सच में ऐसे जहन मेरा एकदम चुप गया सॉन्ग, बहुत तगड़ा सॉन्ग। कुछ बोला नहीं जा रहा है मेरे से, पता नहीं क्यों ये गाना सुन के ना मैं बस ऐसे रोते रोते बाहर आई, मतलब बस आंसू आना बाहर भागे थे अंदर से, ऐसा दिल बिल्कुल एकदम जैसे किसी ने जैसे कि कुछ अंदर से खींच के निकाल दिया हो मेरे। मतलब उनकी केवल गाने की लाइनें ऐसी थी जो हम और सब केवल सुन के हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार कितना गलत हो रहा है ना। लेकिन सोचिए उन बूढ़े माँ बाप पर या उन बहनों पर या उनके घरों पर जिन चीज़ों पर ये चीज़ गुजर रही होगी या जो बीत रहा होगा, उनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी इस चीज़ से।
मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, आप लोग बाहर जाते हैं वहाँ पर आप लोग भले ही धड़ाधड़ नोटें छाप रहे हैं, शायद लाखों लगा के करोड़ों कमा रहे हैं, पर एक बार अपने बूढ़े माँ बाप और एक बार अपनी बीवियों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग लाखों रुपए लगा के ऐसे बाहर विदेश कनाडा वगैरह जाते हैं तो आप उन्हीं पैसों से कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते हैं। मतलब मैं मानती हूँ कि हाँ बहुत लोगों के पास बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं जो शायद ही, लेकिन 100 में से अगर 50% लोगों के पास मजबूरी हो तो 50% लोग केवल पैसे कमाने के लिए वहाँ जाते हैं। तो क्यों जाते हैं मुझे ये नहीं समझ में आता यार। यहाँ के हालात, आप लोग बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, यहाँ पंजाब खाली होता जा रहा है और यहाँ पर आके बाहरी लोग बस रहे हैं, जो कि गलत है। सच बोल रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ कि बहुत सी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर उनका सलूशन हम और आप नहीं निकालेंगे तो फिर कौन निकालेगा। ये मिट्टी जिससे आप मुंह फेर रहे हैं, इस मिट्टी से ही हम पैदा हुए हैं और इस मिट्टी में ही हमारे 10 गुरुओं ने अपनी जान निछावर की है, सींचा है इसको यार अपने खून से, और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं इस मिट्टी से। तो आपको गर्व करना चाहिए कि आप पंजाब से हैं और आप उसी पंजाब को अकेला छोड़ के जा रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो बाहर बैठी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने पैसा कमा लिया यार अपने जीवन भर का, तो प्लीज़ घर वापस आ जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अपने जो अपनों से बिछड़ने का जो दर्द होता है ना, वो जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो हमेशा जो है ना अपने बच्चों की कामयाबी देखना चाहते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा खुश रहे, उसके लिए वो खुद भी अपने आप को ऐसे उस चीज़ में निचोड़ लेते हैं। मतलब कहते हैं ना, अपनी तकलीफ़ को किसी से आगे शेयर नहीं करते हो, किसी आपसे भी नहीं करेंगे, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और क्या फ़ायदा यार ऐसे पैसों का, आप बताइए। जो पैसे, जो खुशी आपके पास रहने से उनको मिल सकती है, वो शायद उनको पैसों से नहीं मिल सकती। तो आप लोग, मैं केवल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे, बाकी आना ना आना आपकी मर्जी, लेकिन एक बार ये सॉन्ग देख के आप रियलाइज़ कीजिएगा कि आप पीछे क्या छोड़ के आए हो। और अगर आपको ये लगता है कि पंजाब का माहौल जो है वो बहुत ख़राब हो रहा है, तो ख़राब होने के लिए भी हमें ज़िम्मेदार है। क्यों हम मौका दे रहे हैं उन बाहरी लोगों को यहाँ पे बसने के लिए, क्यों हम अपना ही मिट्टी से पीछे हटते जा रहे हैं। तो जुड़िए उस मिट्टी से, कुछ समय आएगा जब आपको ऐसा लगा कि आपने पैसा तो बहुत कमा लिया लोग, लेकिन लोगों का साथ, लोगों का प्यार, परिवार में रहना, ये कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया। बाकी सॉन्ग बहुत अच्छा संदेश दे रहा है, बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, इसे आप दिल से सुनिए तो आपकी आंखें ना भर जाएं तो कहिएगा। दिल कहीं ना कहीं बहुत दुख जाता है सॉन्ग से, सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत ऐसे चुभ रहा है। और तो सोचिए, हम लोग केवल सुन रहे हैं और जिनके ऊपर ऐसे लिरिक्स घट रहे होंगे, यानी कि जिसके ऊपर ऐसा बीत रहा होगा, उनका क्या हाल हो रहा होगा। बाकी सॉन्ग तो बहुत अच्छा है और उनकी वॉइस उस पर सोने पे सुहागा वाला काम करती है, क्योंकि उनकी वॉइस बहुत ही ऐसे चार चांद लगा रही इस चीज़ को, और ऐसा लग रहा है वो खुद रो रहा है। सच में बोल रही हूँ, उनकी वॉइस सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद तकलीफ़ में, ऐसा लगता है कि वो अपनी तकलीफ़ को बयान कर रहे हैं। बाकी सॉन्ग बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक बार फिर से आप सभी लोगों से, प्लीज़ वापस आइए, अपने पंजाब को फिर से वैसा ही बनाइए जैसे वो था। बाकी मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं ऐसे ही नहीं बोलती, फैमिली का ख्याल रखिए, सच में आपको रखना है। टेक केयर एंड सत श्री अकाल।